परम पूज्य श्री साने दादा के जीवन चरित्र पर हिंदी में कीर्तन आज यहाँ पेश किया जाएगा। कल्याण से श्रीमती वसुधा दाते और मुग्धा दाते यहाँ आए हैं। उदना से पाटिल जी उनका साथ देंगे, तो उनके लिए एक जोरदार अभिवादन हो जाए। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले मैं महाराष्ट्र की कीर्तन परंपरा के बारे में आपको कुछ कहना चाहूँगा। नवदा भक्ति में कीर्तन यह ईश्वर भक्ति का एक साधन माना जाता है। महाराष्ट्र की लोकधारा में कीर्तन की एक अलग परंपरा रही है। कीर्तन को ईश्वर भक्ति, देशभक्ति और समाज प्रबोधन का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। महाराष्ट्र में कीर्तन के राष्ट्रीय, वारकरी, रामदासी, हरिदासी या नारदीय ऐसे कीर्तन के अनेक प्रकार हैं। आज का कीर्तन हरिदासी नारदीय कीर्तन है। इस कीर्तन की शैली ऐसी होती है कि कीर्तन के पूर्व रंग एवं उत्तरंग ऐसे दो विभाग होते हैं। पूर्व रंग में नमन, मंगलाचरण और गुरु वंदना से बाद साधु संतों के प्रसिद्ध अभंगों में से एक काव्य पद को लेकर गाया जाता है। कीर्तनकार उस अभंग में आए हुए शब्दों के अर्थ उनके आश्रय के अनुरूप हमें समझाते हैं। स्पष्टीकरण के लिए ज्ञानेश्वरी, दासबोध जैसे संतों के ग्रंथ, कविता, पुराण, उपनिषद, तत्वज्ञानियों के बोधवचन तथा संस्कृत सुभाषितों का आधार लिया जाता है। आधुनिक काल के विषय का भी परामर्श लिया जाता है। पूर्व रंग के अंत में मूल पद का पुनश्च गायन होने के बाद अबीर तिलक लगाया जाता है। उत्तर रंग में भगवान की लीलाएं, पौराणिक कथा या किसी संत के चरित्र कथा का रसपूर्ण वर्णन किया जाता है। मूल अभंग के सूत्र को पकड़कर ही कीर्तनकार कुशलता से अपने वक्तव्य, अभिनय और संगीत के माध्यम से कथा का वर्णन करते हैं, नवरसों का परिपोष करते हैं। संतों के काव्य प्रकार तथा स्वयं रचित काव्य रचनाओं को विविध रागों में गाकर श्रोतागणों के सामने कथा कथन सुरसता के साथ पेश किया जाता है। अंत में फिर एक बार मूल अभंग पद का भैरवी राग में गायन किया जाता है। संत तुकाराम महाराज जी के हे ची दान देगा देवा इस वरदान पद को गाकर कीर्तन की समाप्ति होती है। कीर्तन का कालावधि लगभग 2 घंटे का रहता है। अभी यहाँ पधारे कीर्तनकारों को नम्र विनती है आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। हंसाभ्याम परिवृत्त पत्र कमलैर दिव्यैर जगत कारिणै विश्वोत्कीर्णम अनेक देह निलयै स्वच्छन्दमात्मे छया त्यद्योतं पदशां भवन्तु चरणं दीपांकुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षर विग्रहं गुरुपदं ध्यायेत् विभुं शाश्वतम् श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीत्रयं शाम्भवम् श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीत्रयं शाम्भवम् वीरेशाष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अडबंग कानीफ मच्छिंद्राद्या सौरंगिरेवाणकभर्तुरी सौज्ञा भूम्यां बभूर्नवनाथ सिद्धा सद्गुरुनाथ महाराज वंदन गुरुनाथा गजानन स्वामी अवधूता वंदन गुरुनाथा गजानन स्वामी अवधूता श्री गुरुराज गजानन स्वामी श्री गुरुराज गजानन स्वामी भवसागरी त्राता गजानन स्वामी अवधूता गजानन स्वामी अवधूता दास तुझा चरणी चाकिंकर दास तुझा चरणी चाकिंकर ये कीर्तनी रमता नाथों को साथ लेकर नवनाथों को साथ लेकर आओ नाथ जी साने गुरुवर आओ नाथ जी साने गुरुवर आओ नाथ जी माथा चरण कमल पर माथा टेका चरण कमल पर कृपा करो सदगुरु जी मुझ पर कृपा करो सदगुरु जी मुझ पर मुढ़वाला के बोल सुन कर मुढ़वाला के बोल सुन कर आवो नाथ जी साने गुरुवर आवो नाथ जी साने गुरुवर आवो कीर्तन भक्ति रस में डूब कर कीर्तन भक्ति रस में डूब कर कीर्तन भक्ति रस में डूब कर रस से मांगु ये वर आओ नाथ जी साने गुरुवर आओ नाथ जी साने गुरुवर आओ नाथ जी साने गुरुवर सद्गुरु श्री साननाथ महाराज की बार बार नहीं आवे अवसर बार बार नहीं आवे अवसर बार बार नहीं आवे अवसर आवे अवसर बार
बार बार नहीं आवे जाना है कछु करले भलाई जाना है कछु करले भलाई जनन मरण सुख पावे जनन मरण सुख पावे अवसर बार बार नहीं आवे बार बार नहीं आवे यह संसार ओ सग पानी यह संसार पलखन में डूब जावे पलखन में डूब जावे अवसर बार बार नहीं आवे सूरदास कहे हरि चिंतन को सूरदास कहे हरि चिंतन को हरि चिंतन को हरि चिंतन को सूरदास कहे हरि चिंतन को हरि के गुण तुम गावे हरि के गुण तुम गावे अवसर बार बार नहीं आवे अवसर बार बार नहीं बार बार नहीं बार बार नहीं सब लोग बोलेंगे जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि देव तुकाराम अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु श्री शनिनाथ महाराज की जय छोटे दादा की जय 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 रघुवीर समर्थ श्रोता वक्ता श्री सद्गुरु शनिनाथ महाराज की जय आज का दिन सद्गुरु शनिनाथ जी के जन्म शताब्दी महोत्सव के सांगता पूर्व दिन है। पूर्वरंग के लिए संत सूरदास जी महाराज का अभंग लिया है। मैं अभंग पर ज्यादा निरूपण नहीं करूंगी। वैसे तो आपने अभी सुना है कि एक घंटा पूर्व रंग होता है और एक घंटा उत्तर रंग, किंतु यहाँ पर किसी को निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है। हर गुरुवार आप सुनते ही है और कुछ बताने की जरूरत नहीं, किंतु परंपरा नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए एक 10-15 मिनट थोड़ा सा बोलूंगी और हम लोग चरित्र पर कथा देखेंगे। बार बार नहीं आवे अवसर बार बार नहीं आवे। सूरदास जी महाराज सब लोग जानते हैं जन्मांध थे, कुछ दिखाई नहीं देता था, किंतु कृष्ण भक्ति के लिए मशहूर है और उनके इतने सुंदर सुंदर कृष्ण के
अभंग है, सब लोग जानते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उन्हीं का अभंग है। उन्होंने लिखा है कि बार बार नहीं आवे अवसर, बार बार नहीं आवे। समय चलता रहता है किंतु अवसर कभी कभी मिलता है। अवसर का दूसरा मतलब है मौका। हर प्राणी, हर जीव, हर आदमी मौके की तलाश में रहता है। चोर उचक्का भी मौके की तलाश में रहता है। पंढरपुर की वारी में जब लोग जाते हैं, किसी का मन रहता है कि हम भगवान विट्ठल जी का दर्शन करेंगे, ये अवसर हम नहीं छोड़ेंगे। चोर कहता है यही अवसर अच्छा है, मुझे जेब काटने को मिलेगी। कोई सोचता है अच्छे सैंडल बूट मिल जाएंगे। सबको अवसर की तलाश है और ये अवसर बार बार नहीं आता। इसलिए जब कभी अवसर आता है, मौका मिलता है, तो झट से उसका फायदा उठाना चाहिए। हम स्त्रियां जब कभी बोर्ड देखते हैं कि दो साड़ी पर एक साड़ी फ्री, तो हम बोलते हैं अच्छा मौका है, ये छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम सब लोग मौका जानते हैं, अवसर जानते हैं, उसका लाभ लेना भी जानते हैं, किंतु ये सारे अवसर जो है वो लौकिक है। सूरदास जी महाराज जब कह रहे हैं कि अवसर बार बार नहीं आवे, ये कौन से अवसर की बात हो रही है? ये अवसर है जीवात्मा की। ये जो जीवात्मा है, जो अभी मनुष्य के रूप में हम लोग सब है यहां पे, ये मनुष्य का देह बार बार नहीं मिलता। कहते हैं 84 लाख जीव जंतुओं में भटक भटक रही है जीव, जब थोड़ा पुण्यांश हो जाता है तब जाकर कहीं मनुष्य का देह मिलता है। और यह देह भी कैसा है, अमरत्व लेकर नहीं आया, यह देह भी क्षणभंगुर है। राम हो, कृष्ण भगवान हो, संत हो, सबको आने के बाद जाना भी पड़ता है, इस देह को छोड़ना पड़ता है। देह कब जाएगा यह भी हमें मालूम नहीं। तुकाराम जी का मराठी में एक अभंग है, नाशिवंत देह जाणार सकळ आयुष्य खातो काळ सावधान। ये देह है नरदेह, नाशिवंत है मतलब जाने वाला है, काल उसे खा रहा है, कुरेद रहा है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि बार बार ना मिलने वाले इस देह को अच्छा सुनहरा अवसर समझो। किस बात के लिए? तो मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मनुष्य देह ही ऐसा है जो बुद्धिमान है, जो ईश्वर के स्वरूप को जान सकता है, और इसलिए नर देह में आने के बाद हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस जन्म मरण के फेरे से छूटना है। एक अंधा आदमी था, उसे ऐसा गोल एक मैदान था, उस मैदान को दीवार थी और एक ही गेट था उसमें खुला हुआ। उसको छोड़ दिया गया मैदान में और कहा गया कि ढूंढते ढूंढते जाओ, जब द्वार आएगा तब बाहर निकलना। ये अंधा था इसलिए ऐसा टटोर टटोर के दीवार को हाथ लगाते लगाते हुए जा रहा है।